मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनावी मूड में है, वहीं उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को घेरने के लिए कमान संभाली है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम राइज स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में जमकर कांग्रेस को मंच से आड़े हाथों लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि झूठ लूट और फूट डालती है, लेकिन कांग्रेस ने इस देश का आज़ादी के बाद से विभाजन कराया। वहीं AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्मोक स्क्रीन नहीं चलेगी। 56 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, पूरे प्रदेश का कबाड़ कर दिया था। बहुत बड़ी सौगात ग्वालियर के लिए है, 51 करोड़ की सौगात का शिलान्यास आज किया है। वर्ल्ड क्लास एक स्कूल यहाँ स्थापित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य इस स्कूल में अध्ययन ग्रहण करके भारत का तिरंगा विश्व पटल पर लहराने का कार्य करेगा और 2030 तक, मतलब अगले 7 साल में 9200 हो जाएंगे, मतलब 30 गुना हम लोग बढ़ाएंगे 7 साल के अंदर। तो ये लक्ष्य बहुत ही एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा इसी के आधार पर अगली पीढ़ी को हम लोग तैयार कर पाएंगे और यही प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है भारत को अग्रसर करने का।